Are you okay? कौन है वो लड़की? इसे तू प्यार करता है? मुझसे? ये लड़की तो तेरी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। ना कोई क्लास, ना कोई स्टैंडर्ड, ना कोई स्टाइल। तुझे लगता है हम बिलीव कर जाएंगे कि ये लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है? कितना कुछ सुनना पड़ा आपको? कितनी इंसल्ट हुई आपकी मेरे वजह से? सॉरी। नहीं निकल रहा आज तो सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल के रहूंगी। हाय 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 अनोखी बेटा, तू वो एक लीटर तेल अपने सर पे लगाएगी? चंपी करने का प्लान है या सर पे पकौड़े तलेगी तू? दिमाग ठंडा कर रही हूँ। अब स्विट्जरलैंड तो जा नहीं सकती दिमाग ठंडा करने के लिए, तो यहीं पे बैठ के ठंडा करूं ठंडा तेल लगा के। बड़ा ही अजीब दिन था आज का। क्या हुआ आज तुझे? तो बिलीव ही नहीं करोगे क्या जगराते में हुआ क्या है? मैं सब बिलीव कर लूंगी, पहले बता तो सही क्या हुआ है। मम्मा, जिसको मैं मैनेजर समझती थी ना, वो तुषार सर निकले। क्या? हाँ। आंखें खोलो तुझे बेटा। तुषार, मैं शादी इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और मम्मा, तुषार सर मुझसे प्यार करते हैं और मैंने भी सबके सामने बोल दिया कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। आपको भी बिलीव नहीं हुआ ना, मुझे भी ऐसी 440 वोल्ट का झटका लग गया था। बस ये बर्तन गिरने की आवाज नहीं आई। हे भगवान जी, ये तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। सुन ननु, तुझे याद है जब तू वापस घर आया करती थी तो इसी मैनेजर की कहानियां तो सुनाया करती थी मुझे, और मुझे हमेशा डर रहता था कि तुम दोनों का कोई कनेक्शन ही ना हो जाए। वो तो ऊपर वाली की कृपा है, तुम दोनों की कितनी बढ़िया सेटिंग की है उसने। रॉन्ग कनेक्शन को भी राइट फिट कर दिया उसने। अरे इसलिए तो तुम दोनों इतनी बातें किया करते थे। अच्छा हुआ कि वो लड़का तुषार ही निकला, और उससे भी बढ़िया बात ये कि वो तुझे इतना पसंद करता है। मैंने तो कल ही गुरुद्वारे जाके अरदास कर दी है और सारे मोहल्ले में मिठाइयां बांटनी है। मेरी लाडो रानी मलिक इंसेंस की नू बनने वाली है। पर मम्मा, फोन आ रहा है, ले ना, ले जल्दी ले। हेलो, मिस अनोखी मिलना है मुझे। अभी सिर्फ 5 मिनट लगेंगे मिस अनोखी, थोड़ा अर्जेंट है। आपको बस नीचे आना है, मैं अभी आ ही रहा हूँ। क्या? आपके घर के बाहर मिस अनोखी 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। बस सर, मेरा घर आ गया। वो? हाँ, वही मेरा घर है। ओके। अरे यार, ये फिर भी ना बताया, आ गए फिर नकली घर में घुसना पड़ेगा। नकली घर? ओके आती हूँ। अरे मम्मा, ऑयली बालों में कैसे जाऊं? अरे कुछ नहीं होता, चल जा, मिला उसे, मिला जाना। हाँ कुणाल, अनोखी से मिलने आया हूँ मैं। किस टाइम पे? उसे सॉरी और थैंक यू बोलना था यार, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। अरे
अरे मुझे भी ले चलते हैं यार, आपने तो बताया भी नहीं। कुणाल तू सोया हुआ था और तू एक काम कर, तू सोते ही रह। अरे गियर बॉक्स अब भी खराब है यार। फंस गए हो यहाँ पे अनोखी के घर से 5 मिनट की दूरी पे। अरे भाई क्या बताऊं, ये ना ये आज की रात है ही फंसने वाली। कुणाल मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हेलो मिस अनोखी, आप इस घर से निकल रही हैं, आप चुप क्यों है? आप इस घर में रहती है? तो झूठ कहा आपने मुझसे, मुझे लगा था आप एक बहुत सच्ची ईमानदार और एक ट्रस्टवर्दी लड़की है। बट आई हेट लायर्स मिस अनोखी, बर्दाश्त नहीं होता झूठ मुझसे। आपने ये बहुत गलत किया, झूठ नहीं कहना चाहिए था आपको मुझसे। जा रही है आप सच से नहीं भाग सकती मिस अनोखी। क्या हो जाता आप सच बता दो तो? मिस अनोखी ऐसे झूठ आप नहीं बोल सकती। झूठ घर के लिए बोला क्या? झूठ झूठ और अपनी आइडेंटिटी, अपने नाम, अपने पहचान के लिए बोली की बात सच हो गई। ठीक है सर मैं मानती हूँ गलती मेरी थी। उस दिन इंटरव्यू वाले दिन मैंने आपको मैनेजर समझ लिया, पर सर गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि सुधारी नहीं जा सकती थी। अब बाद में तो मुझे बता सकते थे ना कि आप ही तुषार सर हो। तो आपके इस लॉजिक के हिसाब से तो आपको खुद को भी हेडसेट करना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था ना कि यू हेट लायर्स, तो झूठे तो आप ही हैं। मेरी बात सुनिए मिस अनोखी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। आप तो आप, वो रियल मैनेजर, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते रहे और अब झूठ के बारे में बोल रहे हो। हो गया आपका, खत्म हो गया, मैं बोल सकता हूँ अब? अरे सर टॉक टाइम थोड़ी है जो खत्म हो जाएगा। और आपको याद है जिस दिन आओ और मैं बस मिस अनोखी जस्ट रिलैक्स। बिल्कुल सही बोल रही है, मैंने झूठ बोला था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक सच ये भी है कि मैंने बहुत बार सोचा कि आपको सब कुछ सच बता दूं, लेकिन मैं डरता था, इस बात से डर रहा था कि जैसे ही आपको ये पता चले कि मैं मैनेजर नहीं हूं, आपका छोटा मलिक हूं, आप शायद मुझसे उस तरह से बात ना कर पाए जिस तरह से अब तक कर दिया है मैं सबों की, बस इसी वजह से। लेकिन आज मैंने एक बहुत बड़ा सच भी बोला है मिस अनोखी। गद्दू और मेरी पूरी फैमिली के सामने ये सच बोला कि किसी और से प्यार करता हूं और उसकी वजह से मैं शादी नहीं कर सकता। वो कोई और, आप हैं। रिलैक्स मिस अनोखी, कहाँ है कीड़ा? रिलैक्स। तू ताज मेरा, सरताज मेरा, तू कल है और तू आज मेरा, मैं सुर हूँ और तू साज मेरा। ओ एसी का पानी, आपको बोलना चाहिए ना इनको ठीक करवा देते हैं एसी। सर इस गली में लोगों के घर में एसी होना ही बहुत बड़ी बात है। मिस्टर तुषार मलिक आप जरा 360 डिग्रीज घूमकर देखिए, आप किसी लंबी चौड़ी गाड़ी वाले अमीरों की गली में नहीं खड़े, जबकि एक चांदनी चौक की छोटी सी पीछे वाली गली में खड़े हो। और निकिता मैम ने मेरे स्टैंडर्ड के बारे में बोला था ना, बिल्कुल सही बोला था, यही है मेरा स्टैंडर्ड। और ये सामने
देख रही हैं आप, ये मेरा घर है, तो शायद आपके घर के किचन के बराबर है। अब आप कह रहे मलिकन संस्थान वालों के मालिक, आप तो ऐसे घर को देखते भी नहीं। डॉक्टर नहीं है ना आपके पास? कहाँ जा रहे हो सर? आइए मेरे साथ, आप ही का घर। आ गई तो तुषार से मिल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।